मुंबई के बांद्रा इलाके में केयर फाउंडेशन की तरफ से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डांस के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का अनोखा प्रयास किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक का मानना है कि डांस के जरिए लोगों तक किसी भी संदेश को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। डांसिंग के पीछे हमारा ऐसा एम था कि मैंने बहुत दिन से ऐसा देखा है, बहुत सालों से एक्चुअली ऐसा चलता आ रहा है कि डांस को एक अलग ही मुकाम मिला है इंडिया में, और डांस एक ऐसा स्रोत बन गया है कि जिसके थ्रू हम चाहे तो सामाजिक सतर्कता फैला सकते हैं। तो मैंने डांसिंग करने का रीज़न ये था कि डांस में जो बच्चे माहिर है वो एक साथ आए और उन्हें मैं ये समझ दे पाऊँ कि अगर वो अपना डांस सामाजिक बदलाव के लिए यूज़ कर पाते हैं तो बहुत इजीली वो चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि उनका डांस देखने के लिए जो बंदा आएगा वो उनके डांस से निकला हुआ मैसेज भी देखेगा। तो वो करते करते डांसेन बना, और डांसेन के एंड में आबा डालने का रीज़न ये था। आबा एक इवेंट है, आई बाप, जो हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टैलेंट हमारे लिए छोड़ा, उन्होंने कोई हुनर हमारे लिए त्यागा, तो हम चाहते कि उन्हें वो मौका हम दे कि वो उस हुनर को सादर करे और उन्हें हम सत्कारित कर पाए। I'm just gonna go to the bathroom.
कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील विषय के अलावा बच्चों की नादानी के कारण अभिभावकों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ऐसा संदेश भी दिया गया। जिसकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई थी, किसी लड़के के साथ भाग गई थी, लड़की भाग गई थी, भाग गई थी, लड़के के साथ भाग गई थी, लड़के के साथ भाग गई थी, लड़के के साथ
नहीं सोचते कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। कार्यक्रम को नाम दिया गया था आबा यानी आई बाबा। इस कार्यक्रम में माता पिता की हौसला अफजाई के लिए एक माता पिता ने भी नृत्य कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही नन्हे बच्चों ने विभिन्न शैली में नृत्य कर कार्यक्रम देखने आए लोगों का मन जीत लिया। Oh,
मैंने एक कार्ड भेजा है, उस पर मैंने कुछ लिखा है, उसका आंसर देना और आंसर तुम भी बताना। तभी मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे बहुत मिस कर रही हो। लिखा है मेमोरी बेटा, ये ले तेरी पहली माँ का कार्ड आया है। वो नहीं आई। वो क्यों आएगी? क्योंकि तेरी हो, अब तेरी हो,
खासकर क्लासिकल और सेमी क्लासिकल नृत्य कर बच्चों ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहीं बात करें केयर फाउंडेशन की, तो इस फाउंडेशन के संस्थापक का कहना है कि वो उन बच्चों के लिए ये संस्था चला रहे हैं जिन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिल पाता, और साथ ही वो नारी शक्ति सम्मान के लिए भी विभिन्न प्रकार से फाउंडेशन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। केयर फाउंडेशन एक्चुअली एक ऐसी संस्था है जिसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में और वो चाहते हैं कि कोई और वो नहीं सहे। तो हमने जब शुरू किया था तो हमने यही सोच के शुरू किया था कि जैसे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सतर्कता नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि उनको वो सतर्कता हम दे सके, साथ में उन्हें वो मौके दे जहाँ से वो उभर पाए। तो हमारी संस्था बेसिकली छोटे लेवल पे स्लम एरियाज में, झोपड़पट्टियों में बच्चों के लिए काम कर रही है, खारिस्ट के और महिलाओं के लिए। जैसे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हमारा एक P3 प्री प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, जहाँ पे हम कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। साथ में हम टैलेंट को बढ़ावा देते हैं कि बच्चे एजुकेशन के साथ टैलेंट को नहीं जोड़ पाते, नहीं चल पाते साथ में,
तो हम वो करते हैं। और उसके साथ में अभी हम फिलहाल वुमेन्स महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे विधवा महिलाएं जो घर पे रहती है और उनको कोई सहारा नहीं होता और वो बस सहारा ढूंढती है, हम चाहते हैं कि वो खुद खुद का सहारा बने, किसी पे डिपेंड नहीं रहे, तो हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ उनके लिए भी करना चाहते हैं। और साथ में डीजी वुमेन नाम का एक इनिशिएटिव हम कर रहे हैं आगे बढ़कर, जिसमें हम लोग वुमेन को डिजिटली स्ट्रांग बनाएंगे कि उनको मोबाइल का पूरा यूज़ पता होगा, डेबिट कार्ड से लेके हम बैंक्स में जाते हैं तो कैसे चेक साइन होता क्या, तो हम चाहते हैं कि बेसिक लेवल से उनको उभर कर बाहर लाए। तो केयर फाउंडेशन डायरेक्टली बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए काम करता है। वहीं 3 साल पहले इस संस्था से जुड़ी भावना जैन का कहना है कि वो फाउंडेशन की तरफ से प्रयास करती हैं कि नारी को अपनी शक्ति का एहसास हो और वो आत्मनिर्भर बने। वो जो एक हम बोलते हैं कि हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, तो हम ये चाहते हैं कि शुरुआत हम करें इस चीज़ की। चाहे आज हम स्लम एरिया में काम करते हैं, आज वुमेन हमारे पास में जो है औरतें हैं वहाँ की, वो स्मार्टफोन रखती हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसे कैसे यूज़ करना है। हम वो सिखाना चाहते हैं, बच्चों को वो पढ़ाना चाहती है लेकिन खुद पढ़े लिखे नहीं होते, हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो अगर पढ़ेंगे तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे समाज में एक नारी को बोलते हैं ना, भले पिछड़ा हुआ बोलो या पीछे का अधिकार, वो दिया जाता है। भले हम बोलते हैं कि आदमी और औरत, लड़की और लड़का, सबको समान हक दिया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। और मुझे अपने लड़की होने पर या नारी होने पर बहुत गर्व है क्योंकि शायद हम बहुत कुछ वो कर जाते हैं जो आज के ज़माने में शायद लड़के या आदमी भी नहीं कर पाते। आज के टाइम पे नारी घर भी संभालती है, बाहर का काम भी संभालती है। Thank you.
जिस भी अंदाज में हो समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी कार्य है और केयर फाउंडेशन की तरफ से की जा रही ये कोशिश सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अनिल सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।